हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। तो आज है 12 फरवरी 2020। आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक पढ़े की तरह रहेंगे, मोटिवेशन कोट, वन लाइनर न्यूजेस, डिटेल करंट न्यूज़ रहेगी, स्पेशल नॉलेज रहेगी। स्टेट में वेस्ट बंगाल को आज और डिस्कस करेंगे और स्टैटिक जीके रहेगा। एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहेंगे। तो आज का मोटिवेशन कोट देख लेते हैं क्या है। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ये बात कही थी स्वामी विवेकानंद जी ने। आपने हिंदी में पढ़ा भी होगा ऐसे, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक मत रुको। ठीक है, अगर आप सोते रहते हैं तो जल्दी जाग जाया कीजिए और पढ़ते रहिए और अपने जो भी आपने गोल डिसाइड किया उसे अचीव करने के लिए आगे बढ़ते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। जब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो जाती, हारिएगा नहीं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं वन लाइनर न्यूजेस क्या क्या हैं। अर्थव्यवस्था से पहली न्यूज़ रहेगी, भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान सेवा कौन सी है जो आस पड़ोस के दुकानों को उपयोगकर्ताओं के लिए ऑटोमेटिक टेलर मशीन के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाती है। तो वो है फोन पे कंपनी। ओके, तो इन्होंने क्या किया है कि जो भी आस पड़ोस की दुकानें हैं उनके लिए ऑटोमेटिक टेलर मशीन के रूप में कार्य करने के लिए इन्होंने सक्षम बना दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारतीय रिजर्व बैंक का नया सूचकांक कौन सा है जो देश में प्रचलित डिजिटलकरण के स्तर को सूचित करेगा। तो वो है डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा पेंशन कोष प्रबंधकों के लिए निश्चित की गई न्यूनतम निवल मूल्य मानदंड की सीमा कितनी है। तो वो है 50 करोड़। पहले कितनी थी? 25 करोड़ रुपए थी। ठीक है, अब जो न्यूज़ रहेगी वो पर्यावरण से संबंधित रहेगी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन सा है जिसने 8 फरवरी 2020 को उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलवरा क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया था। तो इसमें क्वेश्चन यही बन जाता है कि डेमियन चक्रवात जो है कहाँ पर आया हुआ था, तो ये ऑस्ट्रेलिया में आया हुआ था। किस क्षेत्र में आया हुआ था? तो पिलवरा क्षेत्र में आया हुआ था। ये किस तरह का चक्रवात था? उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ठीक है, कौन सा नाम है इसका? डेमियन चक्रवात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यूज रहेगी, 15 जून 2015 को हस्ताक्षरित मोटर वाहन समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक प्रस्तावित समझौता ज्ञापन पर विचार विमर्श करने के लिए बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल, इन देशों के बीच एक बैठक 8 फरवरी 2020 को किस शहर में आयोजित की गई थी। तो ये की गई थी नई दिल्ली के अंदर। क्यों की गई थी? मोटर वाहन समझौते के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित समझौता था, उस पर विचार विमर्श करने के लिए ये बैठक की गई थी। कौन कौन से देश शामिल थे इसमें? बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल। तो ये हुई कहाँ थी? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह पड़ोसी देश कौन सा है जो समलैंगिक लोगों को अल्पसंख्यक समूह के रूप में पहली बार गिनाने वाली अपनी जनगणना को गणना में करेगा। तो वो है नेपाल। ओके, अब नेपाल में क्या होगा कि जो भी समलैंगिक लोग हैं उन्हें अल्पसंख्यक समूह के रूप में उनकी जनगणना की जाएगी। व्यक्ति विशेष से न्यूज़ देख लेते हैं, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के संचालक मंडल में सरकार द्वारा नामांकित निदेशक कौन है? तो वो है महमूद अहमद। और ये कौन है? अनुज्ञापत्र वित्त मूल्यांकन विभाग और दूर संचार विभाग के उप महानिदेशक हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, एकांगवा शिखर 6,962 मीटर पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की का नाम क्या है? तो वो है काम्या कार्तिकेन। और ये बच्ची जो है मुंबई की नेवी चिल्ड्रन स्कूल में कक्षा 7 की छात्रा है। तो ये काफ़ी छोटी हैं और देख रहे हैं इन्होंने कितना अच्छा अचीवमेंट है अपनी लाइफ में हासिल कर लिया, इतनी छोटी सी उम्र में। और हम लोग इतना आलस कर जाते हैं, तो बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोग को तो आगे बढ़ना ही चाहिए। ठीक है, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन हैं जो 1 मार्च 2020 को अपने पद का त्याग करेंगे? तो वो हैं पेनेलोपी कॉजियानो गोल्डबर्ग। तो ये जो हैं 1 मार्च से अपने पद का त्याग पत्र दे देंगे। ठीक है, तो अब विश्व बैंक की बात हो रही, तो प्रेसिडेंट डेविड मालपास हो जाते हैं, मुख्यालय आपको वॉशिंगटन DC में मिलेगा। अब खेल से संबंधित न्यूज़ देख लेते हैं, भारतीय बैडमिंटन प्रशिक्षक कौन है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से पुरुष वर्ग में 2019 IOC प्रशिक्षक जीवन गौरव पुरस्कार जो है प्राप्त कर लिया है? तो वो है पुलेला गोपीचंद जी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पुलेला गोपीचंद किस क्षेत्र से संबंधित है? बैडमिंटन प्रशिक्षक हैं ये। ठीक है, और
क्वेश्चन ये भी बन सकता है, पुलेला गोपीचंद को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो IOC प्रशिक्षक जीवन गौरव पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड में 2020 नोथाम्बरी ITF प्रतियोगिता में महिला युगलगट की विजेता जोड़ी कौन बनी है? तो वो बनी है अंकिता रैना और विवियान सूफ्स। ठीक है, अब थाईलैंड की कैपिटल हो जाती है वहाट, सॉरी थाईलैंड की कैपिटल हो जाती है बैंकॉक और वहाँ की करेंसी हो जाती है भाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये प्रतियोगिता का आयोजन किया है उत्तराखंड में, एक जगह है औली जो कि चमोली जिले में आती है। राज्य विशेष से न्यूज़ रहेगी अब, कहाँ विश्वामित्री नदी और अन्य जल निकायों में मगरमच्छों की संख्या का पता लगाने के लिए जनगणना शुरू की गई है? तो ये की गई है बड़ोदरा में, गुजरात के अंदर। गुजरात के बारे में थोड़ी बहुत स्टैटिक पोर्शन हम जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल आप सभी को पता है गांधीनगर होती है। गांधीनगर से तुरंत आपको याद रखना चाहिए, जो भी हमारे होम मिनिस्टर है ना, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो निर्वाचन क्षेत्र है, वह भी गांधीनगर गुजरात ही है। तो इस तरह आपको याद रखना है, ठीक है। और गुजरात में जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है उसमें, वो एशियाटिक लॉइन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और भी क्वेश्चंस बनते हैं, गुजरात के अंदर 182 मीटर की जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनकी प्रतिमा बनी हुई है, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। ओके, गुजरात में अगर लोकसभा की सीट पूछी जाएंगी तो आप तुरंत बता देंगे कितनी है, आपको हमने कई बार बताई भी हैं तो आपको याद होनी चाहिए, 26 लोकसभा की सीट है। और वहाँ पे अगर राज्यसभा की सीट पूछी जाएंगी तो आप तुरंत बताएंगे 11 राज्यसभा की सीट है। ओके, और अगर गुजरात से और भी क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आप बता सकते हैं, गुजरात की उत्तरी सीमा से होकर कर्क रेखा गुजरती है और लक्ष्मी विलास महल जो है बड़ोदरा में ही है। और लिमिटेड जो, देखो, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कारखाना जो इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड है, गुजरात ऑयल रिफाइनरी जो है वो भी बड़ोदरा में स्थित है। ओके, और कांडला बंदरगाह भी आपको गुजरात के अंदर मिल जाएगा। इसी प्रकार डेयरी उद्योग में प्रथम राज्य जो है वो गुजरात है। डेयरी उद्योग से आपको ये तुरंत याद रख लेना चाहिए, अमूल जो है वो गुजरात के अंदर में ही है। ओके, तो अमूल की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आपको याद रखनी है। ओके, और जैसे एक और क्वेश्चन बन जाते हैं, सर्वाधिक उत्पादन किस किस का होता है? तो वहाँ पर कपास और मूंगफली का उत्पादन जो है सर्वाधिक किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने किस केंद्र शासित प्रदेश के सरकार ने प्रदेश को यूनेस्को से विश्व धरोहर में दर्जा दिलाने के कदम उठाए हैं? तो जो पुडुचेरी है उन्होंने क्या कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो राज्य है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में आ जाए। इस कारण उन्होंने वहाँ पर मतलब कुछ पहल की है यूनेस्को के लिए। जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जयपुर को सर्टिफिकेट दे दिया गया है, विश्व धरोहर स्थल में उनको शामिल कर लिया गया है और उसका सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है। तो इसीलिए शायद इन्होंने भी यही सोचा है कि हमें भी विश्व धरोहर स्थल में जगह मिल जाए, तो इसलिए इन्होंने पहल की है। ठीक है, पुडुचेरी की कैपिटल तो आप सभी को पता ही है, पुडुचेरी ही होती है। और अगर यहाँ की उपराज्यपाल पूछी जाएंगी तो आप क्या बताएंगे, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि पुडुचेरी जो है वो उनकी राज्यपाल कौन है, आपको पता है क्या, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टाटा ट्रस्ट द्वारा तैयार की गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली की क्षमता के संबंध में 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में पहले स्थान पर रहा राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र, इसके बाद केरल और तमिलनाडु। टाटा ट्रस्ट द्वारा तैयार किए गए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार, एक टाटा ट्रस्ट है, उन्होंने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 लॉन्च की, जिसके अनुसार महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, केरल द्वितीय स्थान पर है, तृतीय स्थान पर तमिलनाडु आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं और स्नातक का पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए छात्रों के लिए एक प्रशिक्षण योजना की घोषणा की है, जिसके तहत 2500 रुपये प्रतिमाह वेतन के साथ छात्र को 6 महीने या 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये है उत्तर प्रदेश। अब ये बहुत ही अच्छा मतलब स्टेप है हमारी सरकार के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर या कहीं में हमारे भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो अगर ऐसा इनिशिएटिव चलाया जाएगा, इससे क्या होगा कि बच्चे पढ़ेंगे भी और उनको अर्निंग भी हो जाएगी, तो वो बहुत अच्छा, अगर ये सही से वर्क करेगी ये योजना, तो बहुत ही लाभकारी होने वाली है। ओके, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने कहाँ राज्य के पहले दिशा पुलिस थाना का उद्घाटन कर दिया है? तो राजमहेंद्रवरम जगह एक है, वहाँ पर उन्होंने दिशा पुलिस थाना का उद्घाटन कर दिया है। ज्ञान विज्ञान से देख लेते हैं। चीन के शोधकर्ताओं के अनुसार कोरोना विषाणु किस प्राणी के माध्यम से मनुष्य में पहुँचा है? तो वो पैंगोलिन एक प्राणी है, मतलब एक जीव है, उसके द्वारा कोरोना वायरस जो है चीन में फैल गया था। ठीक है, अब सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है कांगुआ शिखर, जिसकी लंबाई कितनी है? 6,962 मीटर। ओके, 6,962। ओके, एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी भी यही है, कांगुआ शिखर। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज की स्थापना कब हुई? तो 1984 में हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में आपको मिल जाएगा। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1986 को। मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना आपको पता ही है, 1944 में हुई। मुख्यालय वाशिंगटन DC हमने आपको बता ही दिया था। अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। तो पहली न्यूज़ आपकी रहेगी, तमिलनाडु में जल्द ही दस्तावेजों को संग्रहित करने के लिए एक सुरक्षित डिजिटल वॉल्ट लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो तमिलनाडु सरकार का एक अनोखा विचार है जो औपचारिक आदेश के रूप में सामने आया है। इसका मतलब क्या है कि जन्म से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक, लाइसेंस से इंश्योरेंस तक, एक ही क्लिक में डेटा से लोगों का जीवन आसान हो जाएगा। यह एक बुलेट प्रूफ ब्लॉकचेन प्रणाली द्वारा समर्थित एक शून्य प्रमाण पहचान आधारित भावी सूचक सरकारी सेवा है। ठीक है, अब तमिलनाडु ने क्या किया है कि एक डिजिटल वॉल्ट लॉन्च कर दिया, जिसके तहत क्या होगा कि जन्म से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस वगैरह जो भी होंगे, एक ही डेटा क्लिक में सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अलग अलग कागज़ नहीं बनवाने पड़ेंगे, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे आपको। अब बात हो रही है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं स्टैटिक पोर्शन की। तो तमिलनाडु की कैपिटल हो जाती है चेन्नई, जिसे मद्रास के नाम से भी जाना जाता था प्राचीन में। तमिलनाडु की सीमाएं जो हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से मैच होती हैं उत्तर की ओर, दक्षिण में हिंद महासागर से और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से इसकी सीमा टच होती है। पश्चिम में केरल और कर्नाटक से भी तमिलनाडु की सीमा जो है टच हो जाती है। ठीक है, और तमिलनाडु में जो लिंगानुपात है उसमें 996 स्त्री जो है 1000 पुरुष पर हैं। ठीक है, तमिलनाडु की जिलों की संख्या 32 है, और तमिलनाडु का जो उच्च न्यायालय है उसका गठन हुआ था 1862 में, 1862 में। ठीक है, तमिलनाडु राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आप तुरंत बताएंगे, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी प्रकार लोकसभा की सदस्यों की संख्या वहाँ पे 39 आपको मिलेगी, 18 जो मिलेगी वो मिलेगी आपको राज्यों की संख्या। विधानसभा की सीटों की संख्या अगर पूछी जाएगी तो आप तुरंत बताएंगे 234 है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। प्रमुख नगर अगर वहाँ से पूछे जाएंगे तो आप तुरंत बताएंगे कांचीपुरम है, तंजावर है, तुतिकोरन है, मदुरई है, वेल्लोर है, नेवेली है, कोयम्बटूर है, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली जो है वो वहाँ पर प्रमुख नगर हो जाते हैं। और ये जो तुतिकोरन, मदुरई, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास में भी इनका वर्णन किया गया। तंजावुर में जो मंदिर हैं, तो अब यहाँ के पर्वत अगर पूछे जाएंगे तो वो है नीलगिरी है, मेलागिरी है, इलायची और पालनी जो हिल्स हैं वो आपको तमिलनाडु के अंदर मिलेंगी। तो नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर जो है वो है दोदावेट्टा। इसकी लंबाई अगर पूछ ली जाएगी तो तुरंत बताएंगे आप 2640 मीटर की जो है वो दोदावेट्टा चोटी है, जो कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, वहाँ की प्रमुख नदियाँ अगर पूछ ली जाएंगी तो आप बताएंगे कावेरी, पालार, पोंडार, चेथोजार, भावनी, अमरावती, वैगे, चिनार, नोएल, वेपार, वर्षली आदि जो हैं वो वहाँ की नदियाँ हैं। ठीक है,
और खाद्यान्न अगर पूछे जाएंगे तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, दालें, ये सब चीज़ें वो हैं वहाँ पर खाद्यान्न फसलें हैं खाने के लिए। अगर वाणिज्यिक फसलें पूछ ली जाएंगी, मतलब जिससे व्यापार होता है, तो वहाँ पर गन्ना है, तिलहन मतलब तिल, काजू, कपास, तंबाकू, कॉफ़ी, चाय, रबड़ और मिर्च का वहाँ पर वाणिज्यिक तौर से फसलें उगाई जाती हैं वहाँ पर। राज्य में एक परमाणु विद्युत उपग्रह भी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। वो कहाँ पर है? कल्पक्कम में। परमाणु विद्युत ग्रह जो है कल्पक्कम में है। और राष्ट्रीय अगर पार्क पूछा जाएगा तो अब मन्नार सागरीय पार्क जो है वो राष्ट्र का, जो राज्य है उसका राष्ट्रीय पार्क भी है। राजकीय पशु अगर पूछा जाएगा तो नीलगिरी ताहर आप बताएंगे। पक्षी पूछा जाएगा तो दाविल या चमचबाज उसे कहते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए तमिलनाडु कौन सा राज्य है, तो वो है 10वां राज्य। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य कौन सा है वो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। अगर नहीं करते हैं तो हम बता देते हैं, तो वो है राजस्थान। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और अगर पूछ लिया जाए मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कब किया गया, तो आप तुरंत बताएंगे 1996 में। हो सकता है इस समय तक आप सभी का, किसी का बर्थडे भी ना हुआ हो, तब ये नाम बदल दिया गया था। ठीक है। और अगर राज्य की अधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा जाएगा तो वो हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, वो स्टेट लेवल पे पूछा जाएगा, कोयम्बटूर है। ओके। और वहाँ का मुख्य पर्व जरूर पूछा जाता है, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में भी ये आया हुआ था। तमिलनाडु का प्रमुख पर्व कौन सा है? वो है पोंगल। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और नृत्य आपको पता होना चाहिए वहाँ का क्या है, तो वो आप बताएंगे भरतनाट्यम। ठीक है। और गणितज्ञ रामानुजम की जन्मस्थली भी आपको तमिलनाडु के पेराम्बूर में मिल जाएगी, और सेंट जॉर्ज का किला चेन्नई में है। ठीक। तो ये जितनी भी न्यूज़ेस हमने बताई हैं तमिलनाडु के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें नोट कर लीजिएगा। जो भी हम ओरली बताते हैं उन्हें भी नोट करते जाइए कीजिए, तो वो आपके लिए बेनिफिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक प्रतिरोधी चावल की खेती की जाती है। ठीक है। शोधकर्ताओं ने चावल की विविधता का विकास और व्यवसायीकरण किया है जो आर्सेनिक के लिए प्रतिरोधी है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि भूजल और चावल की नई किस्म मुक्तोश्री को आईआईटी एक जो है दो 21,845 कहा जाता है। यह चावल अनुसंधान स्टेशन द्वारा संयुक्त रूप से चिनशुरा में विकसित किया गया था, जो कई वर्षों से पश्चिम बंगाल के कृषि विभाग और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के लखनऊ के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब पश्चिम बंगाल की कैपिटल आप सभी को पता ही होगी क्या है, तो वो है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की अगर मुख्यमंत्री आपसे पूछी जाएंगी तो आप तुरंत बताएंगे ममता बनर्जी जी। और ममता बनर्जी ने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है, स्फीयर ऑफ द सिटीजनशिप, तो वो भी आपको याद रखनी है, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कोलकाता नगर जो है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम्या कार्तिकेयन माउंट एंकागुआ फतेह करने वाली सबसे युवा लड़की हैं। मुंबई की काम्या कार्तिकेयन दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी माउंट एंकागुआ फतेह करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई हैं। माउंट एंकागुआ मीटर की ऊंचाई पर जो इस उसे एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी बनाता है। काम्या नेवी चिल्ड्रन स्कूल के साथ में की छात्रा है। आपको काम्या कार्तिकेयन नाम याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सबसे कम उम्र की लड़की हैं, तो ये तो नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि इन्होंने कौन सी चोटी पर फतह की है, तो माउंट एकांगुआ, ये एकांगुआ चोटी है कहाँ पर, तो ये आप बता देंगे कहाँ पर है, अमेरिका में। और इसकी लंबाई पूछी जा सकती है, तो 6962 इसको याद कर लेना है। ठीक है। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में महाराष्ट्र जो है सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र को देश के सभी राज्यों के बीच कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के शीर्ष व्यापक व्ययकर्ता के रूप में घोषित किया गया है। सीएसआर के माध्यम से राज्यों द्वारा खर्च की सूची से पता चलता है कि प्रतिवर्ष कम से कम 2500 करोड़ रुपए के साथ महाराष्ट्र देश के सभी राज्यों में शीर्ष पर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 निचले शहरों के साथ 20 सबसे अच्छे प्रदर्शन वाली शहरों की जोड़ी बनाई गई है, तो उन्हें क्या नाम दिया गया? पहन शहर।
ठीक है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 20 निचले शहरों के साथ 20 सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले शहरों की जोड़ी बनाई है। वे वहन शहरों के रूप में काम करेंगे। वहन शहरों अपनी घोषणा के दिन 100 दिनों की चुनौती का कार्य करेंगी, जो निचले 20 शहरों के रैंक और प्रदर्शन को बढ़ाता है। अहमदाबाद रैंक में प्रथम है, नागपुर, तिरुपुर, रांची, भोपाल, सूरत, कानपुर, इंदौर, विशाखापट्टनम, बेल्लौर, बड़ोदरा, नासिक, आगरा, वाराणसी, दावणगेरे, कोटा, पुणे, उदयपुर, देहरादून और अमरावती शामिल हैं। आंतरिक रैंकों के हिसाब से 20 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ये शहर हैं सभी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 20 निचले शहरों के साथ 20 अच्छे प्रदर्शन शहरों की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें क्या नाम दिया गया है, तो बहन शहर। किस रूप में वे कार्य करेंगे, तो बहन शहर के रूप में। किस मंत्रालय द्वारा ये योजना मतलब लॉन्च की गई है, तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन। आंध्र प्रदेश में पुलिस मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 8 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश का पहला दिशा स्टेशन का शुभारंभ कर दिया है। ओके, तो दिशा पुलिस स्टेशन ऐसे मॉडल स्टेशन है जिसका उद्देश्य क्या होगा, यौन उत्पीड़न, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 की महिला पीड़ितों के लिए त्वरित न्याय प्रदान करना है। तो ये इसकी लॉन्चिंग तो तभी हो गई थी जब डॉक्टर प्रियंका रेड्डी वाला केस हुआ था। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी ने क्या किया है कि पहला पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कर दिया है, जिसका उद्देश्य क्या रहेगा, जो बलात्कार उत्पीड़न होगा, बलात्कार वगैरह होता है, और उसके लिए जो पॉक्सो एक्ट जो है बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ये त्वरित न्याय प्रदान करेगा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के अगर करंट के बेस से बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया है कि अपनी विधान परिषद को भंग कर दिया। इनका कहना ये है कि जब वो कोई डिसीजन नहीं लेता तो उसको रखना ही बेकार है। ठीक है, और एक इन्होंने अपनी 3 कैपिटल प्रस्तावित की हैं। अमरावती तो इनकी प्रस्तावित थी, 2024 में हो जाएगी, और जो 2 और हैं वो हैं विशाखापट्टनम और कुरनूल। ठीक है, और इसके बाद भाषा के तौर पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। 1954 में इसका गठन हुआ था। और भी आंध्र प्रदेश में बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन बन जाते हैं। आंध्र प्रदेश में देखो, फसल अगर पूछी जाएगी तुरंत आप बता सकते हैं, चावल होती है वहाँ की। और नृत्य भी कई बार पूछा गया, तो कच्चीपुड़ी जो नृत्य होता है वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य होता है। ठीक, अगर पूछा जाएगा पर्यटन केंद्र कौन कौन से हैं, तो तिरुपति मंदिर है, वेंकटेश्वर मंदिर है, गोलकंडा किला है, हैदराबाद में चामिनार है, सालारगंज है, संग्रहालय, कावला अभयारण्य जो है, और नेशनल पुलिस एकेडमी जो है वो भी आपको हैदराबाद में मिलेगी, हिंदुस्तान शिपयार्ड आपको विशाखापट्टनम में मिल जाएगा। विधानमंडल अभी तक यहाँ की द्विसदनात्मक थी, या कह सकते क्योंकि प्रस्ताव किया है इन्होंने तो। और वहाँ की लोकसभा की सदस्य संख्या जो है 25 है, और राज्यसभा की संख्या जो है 11 है। राज्य की पशु अगर आंध्र प्रदेश का पूछा जाएगा तो आप बताएंगे चौसिंगा, और राज्य की पक्षी पूछा जाएगा तो घसूर हवासिल आप यहाँ पर बता देंगे। ठीक, तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बता रहे हैं। और तुंगभद्रा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ये सभी आंध्र प्रदेश में ही बहती हैं। ओके, और राज्य गठन दिवस, और आप देख लीजिए 1 नवंबर 1956 को राज्य गठन दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर प्रशासन निवेशकों को निर्बाध इंटरनेट वाईफाई की सुविधा प्रदान करता है। अब जम्मू कश्मीर जो है निर्बाध इंटरनेट वाईफाई की सुविधा प्रदान करता है। जम्मू कश्मीर सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नए बनाए गए केंद्र शासित प्रदेश की अच्छी गुणवत्ता की हवा कम अपराध दर को उजागर कर रही है। जम्मू कश्मीर सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2020 के अनुसार प्रशासन आईटी कंपनियों को 3 शिफ्टों में काम करने के लिए प्रोत्साहन और रात के समय काम करने वाली महिलाओं की सुविधा के लिए परिवहन और सुरक्षा प्रदान करता है। तो अब जम्मू कश्मीर जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है तब से उसमें डेवलपमेंट होने लगा है, काफ़ी कुछ उसमें बदलाव हुए हैं। तो इन्होंने अब क्या किया है कि जो भी प्रशासन निवेशक हैं उनमें निर्बाध इंटरनेट वाईफाई की सुविधा प्रदान करने लगे हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर से अगर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन तो बहुत सारे बनेंगे। 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश बना, और पहले उपराज्यपाल तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो यहाँ के पहले उपराज्यपाल हैं।
और पृथ्वी का स्वर्ग भी कश्मीर घाटी को माना जाता है, भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कश्मीर को कहते हैं, झीलों का नगर श्रीनगर कहलाता है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पर दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ पे झील भी हैं। देखो यहाँ का जो पर्वत शिखर है वो है गॉडविन, ऑस्टिन, केटू या काराकोरम, कंचनजंगा या नंगा पर्वत इसे भी कहते हैं। और प्रमुख दर्रे अगर पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे काराकोरम दर्रा जो जिला और बनिहाल दर्रा जो है वो आपको जम्मू कश्मीर के अंदर मिलेगा। वहाँ की विशेष फसल आप सभी को पता होगी केसर, बहुत अच्छी चीज़ होती है केसर, तो वो है वो वहाँ की कश्मीर घाटी में बहुत ज़्यादा होती है केसर की फसल। और राजकीय पशु अगर पूछा जाएगा तो हंगुल, अब तो ये हंगुल है अभी तक तो पता नहीं अब कौन सा है, अभी तो मुझे नहीं नॉलेज में है, अगर यही है तो इसे हम क्रॉस चेक करके बताएंगे, ठीक है। और कई क्वेश्चंस बन जाते हैं, यहाँ की भाषाएं पूछी जाती हैं तो डोंगरी, डांगरी, डोंगरी, कश्मीरी, लद्दाखी, बाल्टी, दादरी और पंजाबी। और राजकीय भाषा की अगर पूछेंगे तो उर्दू राजकीय भाषा वहाँ पर हो जाती है। राज्य दिवस तो अब मनाएंगे 31 अक्टूबर को, ठीक। तो ये थी जो भी कश्मीर से संबंधित न्यूज़ हमें समझ में आ रही थी वो हमने आपको बता दी, तो ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी आपके लिए, ठीक है। तो अब स्पेशल नॉलेज की बात करेंगे, उसमें हम बात करेंगे 2019 से 20 में कई तूफान आए हुए थे, मतलब कभी कोई तूफान आ रहा है, आपने बुलबुल भी सुना होगा, फोनी तूफान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था तो वो हमने देख लिया कौन से देश में कौन सा तूफान आया हुआ है। तो बुलबुल नामक तूफान जो आया था वो ओडिशा में आया था, बंगाल में आया और बांग्लादेश में आया। फिर उसके बाद आया हेगी 20 तूफान जो कि जापान में आया हुआ था, तालीम तूफान भी जापान में आया हुआ था, डोरियन तूफान जो है उत्तरी बहमास अमेरिका में आया हुआ था, बायू तूफान जो है गुजरात के अंदर आया हुआ था, फोनी और तितली तूफान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आया था ओडिशा में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, उस्मान सांबा फिलीपींस में आया हुआ था, पावुक जो है थाईलैंड की खाड़ी में आया हुआ था, माइकल रिले और गाजा तूफान अमेरिका में आया, सीमरोन क्रॉस और टॉमी तूफान जो है वो जापान के अंदर आया था, अल्वर्टो तूफान जो है अलवामा फ्लोरिडा व मिसीमिसी में आया था, मिसिसिपी में आया था, मुकून सागर जो है यमन की खाड़ी में तूफान आया था। अब स्टेट हम आज एक बार और पश्चिम बंगाल को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि है ना हम दो बार डिस्कस करेंगे कर चुके हैं, तो कल हम करंट अफेयर का वीडियो नहीं दे पाए थे तो आज और डिस्कस करते हैं जिससे पूरी तरह तैयार हो जाए। पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को, राजधानी कोलकाता के अंदर आ जाती है, सॉरी राजधानी कोलकाता ही है, सबसे बड़ा शहर भी वहाँ पर कोलकाता है। राज्यपाल की बात करेंगे तो जगदीप धनखड़ जो हैं वो वहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। राजकीय पशु वर्न उल्लू हैं, राजकीय पशु अगर पूछा जाएगा तो भारतीय हाथी हैं, जिला वहाँ पर 23 हो जाते हैं, विधानमंडल एक सदनात्मक है, विधानसभा की सीटें जो हैं 295 हैं और राज्यसभा की सीटें जो हैं 42 हैं, और राज्यसभा सॉरी लोकसभा की सीटें 42 हैं और राज्यसभा की सीटें जो हैं 16 हैं। भाषाएं अगर पूछी जाएंगी तो बंगाली और अंग्रेजी भाषा वहाँ पर मुख्य भाषा हो जाती है। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है, इसके पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, ओडिशा, झारखंड और बिहार हैं। प्रमुख नदियाँ अगर पूछी जाएंगी तो गंगा, भागीरथी, दामोदर, हुगली, महानंदा जो हैं प्रमुख नदियाँ हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है उसमें बाघ को संरक्षित किया जाता है। जल्दापारा अभयारण्य भी पश्चिम बंगाल में आपको मिल जाएगा। प्रमुख त्यौहार अगर पूछे जाएंगे तो दुर्गा पूजा, काली पूजा वो है प्रमुख त्यौहार। प्रमुख लोक नाट्य अगर पूछा जाए तो यात्रा जो है वो वहाँ पर लोक नाट्य होता है। हवाई अड्डे की बात करेंगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पूर्व में इसका नाम दमदम हवाई अड्डा हुआ करता था। प्रमुख फसलें अगर पूछी जाएंगी तो गेहूं, मक्का, जौ, पटसन, चना, मटर यहाँ पर प्रमुख फसलें हैं। प्रमुख पर्वत अगर पूछे जाएंगे तो तुरंत आप बता सकते हैं हिमालय और शिवालिक पर्वत वहाँ पर पाए जाते हैं। प्रमुख शोध संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो राष्ट्रीय एटलस एवं विषयक मानचित्रण संगठन कोलकाता, बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट बिरला प्लेटेरियम और सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट आपको पश्चिम बंगाल के अंदर मिलेगा। पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो विक्टोरिया मेमोरियल, जूलॉजिकल गार्डन, कालीघाट, टाइगर हिल, शांति निकेतन, दक्षिणेश्वर एवं बेलूर मठ, हावड़ा ब्रिज, राष्ट्रीय पुस्तकालय, जैन मंदिर, ये सभी पर्यटन स्थल आपको पश्चिम बंगाल के अंदर मिल जाएंगे। और ये राष्ट्रीय नेशनल जो लाइब्रेरी है ये कई बार आई हुई है, रीजनिंग में भी आ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कोलकाता के अंदर है। ओके,
स्टैटिक जीके में हम एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ को डिस्कस करेंगे। तो यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, इसे हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। अब इसके अध्यक्ष हैं एन बेनेमन, मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका मिलेगा। हेड अगर पूछे जाएंगे तो हेनरीटा एच फोर जो है वो यहाँ के हेड हो जाएंगे। स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। संस्थापक कौन है, तो यूएनओ है इसकी संस्थापक। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, लगभग मतलब कि संक्षिप्त में इसको यूनिसेफ कहते हैं, की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 में की थी। यूनिसेफ का सप्लाई प्रभाग जो है कोपेनहेगन प्रभाग कार्यालय जो वो कहाँ पर है, तो कोपेनहेगन डेनमार्क में है। कुछ महत्वपूर्ण साधन जैसे जीवन रक्षक टीके एचआईवी पीड़ित बच्चों व उनकी माताओं के लिए दवा, कुपोषण उपचार के लिए दवाएँ, आकस्मिक आश्रय आदि की वितरण प्राथमिक जगह यही होती है। ठीक है, अब बात करेंगे अगर हाँ अगर हम बताएं कि अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप यूनिसेफ की फुल फॉर्म याद रखिए, हेडक्वार्टर याद रखिए और उसके हेड याद जरूर रखिए, हेनरीटा एच फोर जो है वहाँ के हेड है, मुख्यालय न्यूयॉर्क में मिलेगा और अध्यक्ष आपको एन बेनेमन मिल जाएंगे। ठीक, अब बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। बांग्लादेश के लिए भारत के राजदूत कौन है, तो वो है रीवा गांगुली दास। पाकिस्तान में भारत के लिए राजदूत कौन है, तो वो है अजय विसारिया जिन्हें इन्होंने वापस भेज दिया था। अफगानिस्तान के लिए भारत के राजदूत कौन है, तो वो है विनय कुमार। अमेरिका के लिए भारत के राजदूत कौन है, तो वो है हर्षवर्धन श्रृंगला। ओके, व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है, व्हाट्सएप सभी लोग चलाते हैं पर कभी सोचा किसने बनाया, तो लॉरेन किड्स जो है इन्होंने 2009 में व्हाट्सएप का स्थापना किया था या व्हाट्सएप को इन्वेंशन किया था। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यूट्यूब के सीईओ कौन है, सुसान बेजिस्की जो हैं वो यूट्यूब के सीईओ हैं। वीवो ज़ियोमी किस मोबाइल कंपनी, मतलब किस देश की मोबाइल कंपनी है, तो ये चाइना की हैं। ओके, रेनॉल्ट किस देश की कंपनी है, रेनॉल्ट की कार्स आती हैं तो आपने सभी ने देखा, तो ये फ्रांस की कंपनी है। सारथी ऐप किससे संबंधित है, तो ये रेलवे से संबंधित है। विश्व संतरा महोत्सव और संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके जीएस, और एक ऑर्गेनाइजेशन भी हमने डिस्कस किया बहुत, और स्टैटिक पोर्शन भी हमने ओरली भी डिस्कस किया और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, और आपको YouTube के साथ साथ आप हमें हमारे Facebook और Insta पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप TikTok हेलो ऐप अगर यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। Twitter और शेयर चैट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। Dailymotion वेबसाइट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। Telegram ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए जिससे जो भी क्लासेस होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत उनका जो PDF है उन्हें तुरंत मिल जाएगा। और आप चाहते हैं कि आप ऑडियो में करंट अफेयर को सुने तो आप हमारे खबरी चैनल पर भी हमारी ऑडियो सुन सकते हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो हर जगह आपको हमारा अकाउंट तैयारी बिगनर्स की के नाम से मिल जाएगा, तो आप अपना रिवीजन भी ऑडियो सुनकर कर सकते हैं। कहीं आप जा रहे हैं सफ़र में, आपको वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऑडियो सुन लीजिए, तो जिससे क्या होगा आपका रिवीजन भी होता जाएगा। तो आप खबरी ऐप पर भी आप हमें सुन सकते हैं। ओके, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने सपनों का ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए तत्पर बढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलते रहिए और मन में जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।